सो हाय एवरीवन, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का पोषण अभियान की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि पोषण अभियान के अंतर्गत जो तीसरा थीम है, जैसे कि पोषण भी और पढ़ाई भी, इस थीम के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। ये जो आप लोगों का एक्टिविटी चलेगी वो 11 से लेकर 16 सितंबर तक चलेगी। इसके दौरान आप लोगों को पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे कौन कौन सी गतिविधियां अपलोड करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीट ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो पोषण भी और पढ़ाई भी जो तीसरा थीम है, इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ICDS लेटर की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम राष्ट्रीय पोषण माह का जो कैलेंडर है उस पर आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे जो तीसरा थीम है पोषण भी और पढ़ाई भी, इसके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियाँ कौन कौन सी है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 11 से लेकर 16 सितंबर तक आप लोगों को गृह भ्रमण करना है। जैसे कि गृह भ्रमण के दौरान आप लोगों को क्या करनी है, जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं या 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके पोषण व प्रोत्साहन से संबंधित जो परामर्श है वो अभिभावकों के बीच में बच्चों के पोषण व विकास से संबंधित गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाना है। तो ये आप लोग 11 से लेकर 16 सितंबर तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद 11 तारीख को ही एक और एक्टिविटी करनी है, केंद्र स्तर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा पर समुदाय के लोगों के बीच शपथ दिलवाना, ये भी आपको 11 तारीख को ही करना है। 11 तारीख को और एक एक्टिविटी करनी है, जैसे कि 11 सितंबर 2023 विद्यालय में चेतना सत्र के दौरान पोषण स्तर पर पोषण पर शपथ दिलवाई जाएगी, ये भी आप 11 तारीख को सेलेक्ट कर सकते हैं गतिविधि। 12 और 13 तारीख को क्या एक्टिविटी करनी है, तो सेविका द्वारा स्थानीय व अनुपयोगी वस्तु से खिलौना निर्माण किया जाएगा, ये 12 और 13 तारीख को कर सकते हैं। 12 से लेकर 15 सितंबर के बीच जिला स्तर पर DCAP बैठक का आयोजन किया जाएगा। 14 सितंबर को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाएगा। 15 सितंबर को शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा और 16 सितंबर को प्रश्नोत्तरी, चित्रकारी, निबंधन, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी आयोजन आप लोगों को पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे सभी एक्टिविटीयां आप लोगों को करनी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे और इसकी एंट्री कैसे करनी है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम पुनः आ चुके हैं पोषण अभियान के डैशबोर्ड पे, जहाँ पे हमें ये सारी एक्टिविटीयां अपलोड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे थीम सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि ये जो तीसरा थीम अभी चल रहा है पोषण भी पढ़ाई भी, तो हम इस थीम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको क्लिक करके ऐड कर लेंगे। नीचे यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज़र में कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, ब्लॉक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि आप अपने आंगनबाड़ी स्तर से यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर AWC सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे AWC सेलेक्ट करने के बाद आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट कर लेंगी। चलिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि इस थीम के अंतर्गत ये सारी एक्टिविटीयां आप यहाँ से कर सकती हैं। 11 से लेकर 16 तारीख तक आप हर रोज़ ये सारी एक्टिविटीयां कर सकती हैं। तो कोई भी एक एक्टिविटी हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि शिक्षा चौपाल एक्सक्लूसिव टू प्रमोट ECC लर्निंग कॉर्नर एट AWC, जैसे कि शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है 11 से लेकर 16 सितंबर तक, यानी कि ये तमाम गतिविधियां आप लोग को 11 से लेकर 16 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, 11 तारीख का डेट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 12 तारीख को ये वीडियो देख रही हैं तो यहाँ पे 11 तारीख का बैक डेट में जाके आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा हम यहाँ पे 11 तारीख का ही डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एडल्ट में जो जेंट्स है, यानी कि जो पुरुष हैं उनकी संख्या दर्शानी है, तो इस चौपाल के अंतर्गत कितने जेंट्स मौजूद हैं वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फीमेल में जो भी महिलाएं हैं वो कितनी मौजूद थी वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। शिक्षा चौपाल में अगर कोई बच्चे उपस्थित हैं तो वो डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे, यहाँ पे भी 0 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अगर उस चौपाल के अंतर्गत जो भी आप लोग आयोजन कर रहे हैं उसका अगर आपने पिक्चर वगैरह खींचा है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीयां करते हुए पिक्चर अपलोड करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे।
जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा सक्सेसफुली एक एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, सिलेक्ट थीम पे क्लिक करेंगे और तीसरा जो थीम चल रहा है पोषण भी पढ़ाई भी, फिर उसी पे क्लिक करेंगे। यानी कि पोषण अभियान के अंतर्गत आप लोगों को 11 से 16 तारीख तक जितनी भी एक्टिविटी आप लोगों को दिख रही है, ये सारी एक्टिविटी आप लोगों को बारी बारी से 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13, 14, 15, 16 हर रोज़ आप लोगों को ये सारी एक्टिविटी अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ से हम AWC सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना आंगनबाड़ी केंद्र सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमने अभी फ़िलहाल सबमिट कर दिया है, उसके बाद ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है 11 से लेकर 16 सितंबर तक आप लोगों को ये सारी एक्टिविटियाँ रोज़ करनी है। साथ ही साथ जो और एक्टिविटी है, जैसे कि होम विजिट आप लोग को बताए हैं कि कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए हम बता देते हैं फिर से आप लोगों को होम विजिट कैसे करनी है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटियाँ करते समय आप लोग और भी एक्टिविटी कर सकते हैं। होम विजिट करने के लिए यहाँ पर आप फर्स्ट थीम पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद AWC सेलेक्ट कीजिएगा, अपना आंगनबाड़ी केंद्र सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे जो सिलेक्ट एक्टिविटी है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दो होम विजिट आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों होम विजिट को आप डेली कर सकते हैं, ये एक माह तक चलने वाला है। जनरल सैनिटाइजेशन एक्टिविटी है, यानी कि जनरल जो एक्टिविटी आप लोग करेंगे इसका भी आप लोग डेली जो भी एक्टिविटी है आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने जनरल सैनिटाइजेशन एक्टिविटी पर क्लिक किया है और यहाँ पर सिलेक्ट एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनप्राशन दिवस है, सुपोषण दिवस है, यहाँ पर पोषण के 5 सूत्र के बारे में जो भी जानकारी है वो देनी है। ये सभी एक्टिविटीयां आप लोग हर रोज़ कर सकती हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का जो एक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा हो। इस प्रकार से आप लोग एक्टिविटी करेंगे, हाट बाज़ार एक्टिविटी कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक का एक्टिविटी कर सकती हैं, एडोलसेंट एजुकेशन का एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोग को इस पोषण अभियान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।